और इधर ठंड खत्म होने पर यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेवा का बयान सामने आ गया है। सर्दी में भी पुतिन का प्लान फेल हो गया, सर्दियों में हम बच गए, पुतिन हार गए, हमने दुनिया की भविष्यवाणी फेल कर दी। सर्दियां शुरू होते ही पुतिन ने ईरानी ड्रोन्स का रुख यूक्रेन के पावर ग्रिड की ओर किया था। रूस का मकसद इसे तबाह करने का था, ताकि पूरी सर्दी यूक्रेन बैकफुट पर रहे और उस पर हमला करना आसान हो। लेकिन पुतिन की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई। ठंड खत्म होने पर यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेवा ने दावा किया है कि सर्दियों में भी पुतिन का प्लान फेल हो गया और यूक्रेन फिर से खड़ा हो गया। कुलेवा ने कहा कि सर्दी के सबसे खतरनाक दौर से बचकर निकला है यूक्रेन, हमने अपने इतिहास का सबसे मुश्किल वक्त देखा है, ठंड के बीच जीवन अंधेरे में था लेकिन हम टूटे नहीं, कई संस्थानों ने वार्निंग दी थी कि लोग देश छोड़कर भागेंगे, हम बहादुरी से लड़े, लोगों की भविष्यवाणियां फेल हो गई, सर्दियों में हमारा बच पाना पुतिन की एक और बड़ी हार। ठंड के दौरान यूक्रेन पर नॉनस्टॉप मिसाइल अटैक हुए, इसके पास हीटिंग इक्विपमेंट की भी कमी हुई, लाखों लोग बिना पानी के दिन काटते रहे और यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ, इसके बाद भी यूक्रेन ने खुद को संभालकर दुनिया की तमाम भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। रूस में मार्शल लॉ की शर्तों को और सख्त किया गया है, राष्ट्रपति पुतिन ने यह बड़ा फैसला लिया। स्टेट सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत कंपनियों को समय से देनी होगी डिलीवरी, नियम उल्लंघन पर कंपनी डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स होंगे निलंबित। पुतिन ने नए नियमों वाला ये फरमान जारी किया। रूस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए पुतिन एक के बाद एक नए फरमान जारी कर रहे हैं। नए नियम के मुताबिक रूस में मार्शल लॉ की शर्तों को और सख्त बना दिया गया है। अब स्टेट सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत कंपनियों को समय से पहले डिलीवरी देनी होगी। आखिर पुतिन को नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रूस में पुतिन अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? इन पाँच वजहों को जानिए। रूस के बड़े कारोबारियों शेयर होल्डर्स में नाराजगी। कजाकिस्तान और अजरबैजान जैसे सोवियत देशों को पुतिन के रवैये से डर लग रहा है। कट्टर समर्थक भी पुतिन का पक्ष लेने से पहले दो बार सोच रहे हैं। रूसी सैनिकों को जबरन युद्ध में भेजने पर जनता में गुस्सा। युद्ध की वजह से बिगड़ती आर्थिक हालत को लेकर पुतिन की आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन के रवैये से रूस के अरबपति भी नाराज हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसकी वजह भी समझिए। बड़े रूसी कारोबारी पुतिन के युद्ध के फैसले से असंतुष्ट हैं। रूस की दूसरी बड़ी तेल कंपनी लुकोइल ने यूक्रेन युद्ध का विरोध किया है। युद्ध से रूस के कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है। इसी के चलते पुतिन अपने खिलाफ किसी आवाज को नहीं उठने देना चाहते और मार्शल लॉ को सख्त बनाते जा रहे हैं।